तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक जंगली कबूतर दिखाने वाले हैं। आज देखिए, आकर छत पर बैठा है और देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि बीमार है। कबूतर के पीछे है तो थोड़ा सा देखिए, कोने पे बैठा है, मतलब उधर है, तो बीमार लग रहा है। हम कबूतरों खिला रहे थे तो आकर बैठा, और ये देखिए कबूतर खा पी के अंदर चले गए हैं। ये ऊपर ही बैठा है, और इसे अगर हम पकड़ लेते हैं तो हम आपको दिखाते हैं और ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए, ये जंगली कबूतर, ये बीमार है बहुत ही, मतलब सूखे में है, लगता है पतला हो गया है, एकदम हड्डी निकल गई है इसकी, जैसे कि देख रहे हैं इसकी हड्डी। और ये देखिए, अभी कुछ खाए हुए नहीं है, मुंह जो है इसके चोंच खुले हुए हल्के हल्के, तो ये बीमारी में है। इस कबूतर को हम क्या करेंगे कि दवा खिला देते हैं और देखते हैं कली कितने कली का है ये। तो दोस्तों, अभी जो है एक भी कली का नहीं हुआ है, ये घोंसले से निकला हुआ है। लग रहा है कि अभी एक आध हफ्ते भी कम हुए, 4-5 दिन हुए होंगे। तो जैसे देख रहे हैं फड़फड़ा रहा है, जंगली कबूतर अक्सर हाथ में जो है बहुत ज़्यादा फड़फड़ाते हैं। तो हम इसको वही दवा खिलाते हैं जो हम सभी कबूतरों को खिलाते हैं, बनाए हैं अपने दवा को, तो हम इसको खिला देते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा आराम होगा। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं और दवा बना सकते हैं आप चाहे तो। लेकिन हम यहीं रखे हैं बनाकर, ये कम से कम 15-20 दिन हमारे कबूतरों को खिलाने काम में आता है, जब भी कबूतर सुस्त पड़ते हैं या बीमार पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम दवा खिला चुके हैं और जो है इसको हम रात भर अपने पास ही रखेंगे, कबूतरों में छोड़ देंगे, और सुबह में इस कबूतर को हम एक और दवा खिलाएँगे। तो खिलाकर छोड़ देंगे, रहेगा तो ठीक ही है, अगर जाएगा तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हमें जो है उम्मीद है कि ये कबूतर ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी कबूतर हैं, हम देखिए दवा बना के रखते हैं ऐसे ही, और जितने भी कबूतर बीमार पड़ते हैं तो उनको हम दवा खिला देते हैं इसी तरीके से, एक गोली सुबह एक गोली शाम। तो इसको हम खिलाएँगे और बहुत ही बेहतर रिजल्ट आता है। तो दोस्तों चलिए देखिए, जंगली कबूतर आज जो है तीसरा दिन है, इसको हम 2 दिन दवा खिलाए हैं, परसों और कल। ठीक है, परसों शाम को खिलाए थे तो वीडियो बनाए थे, फिर कल सुबह में खिलाए थे और कल शाम को खिलाए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज सुबह में हम आपको दिखा रहे हैं इस कबूतर को, और देखिए एकदम फिट हो गया है उसी दवा से, और कोई दवा हम नहीं खिलाए। और बीमार था तो कबूतरों के साथ रह गया, कहीं मतलब इधर उधर गया नहीं, कबूतर खाते पीते थे कल दिन भर, तो उसमें कबूतर के साथ रहा, कबूतरों के साथ अंदर ही चला गया था घर में। तो हम सोचे कि चलिए आपको इसको दिखा देते हैं, इसकी हालत दिखा देते हैं। और जो हम दवा आपको बताए हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं आप भी, और बहुत ही कारगर दवा है। हम सभी कबूतरों को मतलब वही दवा देते हैं, और जो हमें भरोसेमंद होता है वही हम दवा आपको बताते हैं, दूसरा दवा नहीं बताते हैं। तो देखिए, ये वही जंगली कबूतर है, पर भी दिखा देते हैं, हम आपको दिखाए थे उस दिन। तो जैसा कि देखें आप, इसके पर सेम है और इसकी हालत भी बहुत अच्छी हो गई है, ये देखिए जो है। तो थोड़ा सा मतलब दवा खिलाएं तो थोड़ा गंदा हो गया है यहाँ पे, तो 2 दिन में बहुत ही फिट हो गया है, और अब ये जो है ठीक हो जाएगा। तो कबूतरों के साथ रहेगा तो ठीक ही है, रह भी सकता है कुछ दिन और भाग भी सकता है, जब अब पूरी तरह से एकदम तो अभी तो ठीक ही हो गया है, और देखते हैं भागता है कि क्या करता है। ऐसे 2 दिन रहा है तो कबूतरों के साथ ही रहेगा, तो इसे हम छोड़ देते हैं, और छोड़ते हैं, ये देखिए। तो देखिए कबूतरों के साथ गया, सीता जो है घर में गया, और ये कबूतरों के साथ रहा है 2 दिन, तो इसलिए जो है कबूतरों के साथ मतलब आसानी से घर में घुस गया। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं हम अगले